साथिया तोर बिना लागे नहीं दिल लागे ना। हे गाइस, दिस इज शीतल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज की अपडेट निकल के आ रही है वो विवेक नायक, उनके आने वाले एल्बम का टीजर रिलीज हो गया है। तो चलिए देते हैं एक छोटा सा रिव्यू। तो इस एल्बम का नाम रखा गया है साथिया तोर बिना, स्टेरिंग विवेक नायक एंड राजलक्ष्मी एंड डायरेक्टेड बाय विवेक नायक। और विवेक नायक इस बार अकेले ही सब काम कर रहे हैं अपना गाना देने के अलावा, लेकर कॉन्सेप्ट डायरेक्शन प्लस एक्टिंग इस बार खुद ही कर रहे हैं। तो एक ऑलराउंडर की तरह काम कर रहे हैं, इस बार खुद ही अकेले कर रहे हैं। तो यार देखना इंटरेस्टिंग होगा कि विवेक नायक इतने सारे काम, इतने बड़े काम को अकेले ही कैसे प्रेजेंट करता है। तो बात करते हैं इसका टीजर्स का। तो 32 सेकंड का टीजर काटा गया, एडिटिंग डायरेक्शन प्लस विवेक नायक के एक्सप्रेशन जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है। जब मैं इस एल्बम का पोस्टर देखा था तो मुझे लगा था कि इस एल्बम में विवेक नायक फिट नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विवेक नायक एक सिंगर है और ज़्यादातर एल्बम जो कि उनके ही आवाज़ में आते हैं। और मैं बहुत ही कम विवेक नायक को देखा हूँ जो कि किसी दूसरे के गाने में एक्टिंग करते हुए और उतना ज़्यादा खास फिट नहीं बैठते हैं। विवेक नायक अपने ही गाने में जो कि काफ़ी ज़्यादा फिट बैठते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पवन रॉय के गाने में उतना ज़्यादा फिट नहीं बैठेंगे। टीजर देखने के बाद मैं सही बता रहा हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया। टीजर को देखने के बाद सही में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि पवन के गाने में सिर्फ रोहित आर के फिट नहीं बैठ सकते हैं और कोई भी है। तो ये एक स्टोरी बेस्ड एल्बम है और जिस तरह से टीजर में पवन की आवाज़ सुनाई देते हैं साथिया तोर बिना और विवेक नायक के एक्टिंग एक्सप्रेशन जो कि सही में कमाल का है, जो कि देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये एल्बम रिलीज़ हो रहा है 12 नवंबर को इस म्यूजिक सीरीज़ पर। तो 12 नवंबर को ये एल्बम रिलीज़ हो रहा है छठ के शुभ अवसर पर, तो देखना मत भूलिएगा इस म्यूजिक सीरीज़ पर। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।